फिरोजाबाद सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति में कमेटी के सचिव आरपी सिंह यादव की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें बताया गया कि 2018 से संस्था विरोधी गतिविधियां कर दी गई थीं। उसी के कारण गत वर्ष 2018 में संस्था को माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसमें उच्च न्यायालय ने जनपद स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने रामलीला का चुनाव दोनों चरणों में सम्पन्न कराया, लेकिन फिर भी उसी निर्वाचित कमेटी में से कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा प्रशासनिक सहयोग लेकर 1875 से होती आ रही रामलीला के प्रांगण को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए संस्था का पंजीकरण निरस्त कर दिया। इतना ही नहीं, रामलीला प्रांगण में बने हुए कार्यालय योगीराज भगवान श्री कृष्ण को सील कर दिया गया। यहाँ पर भी इतना भेदभाव रखा गया कि समिति के सचिव आरपी सिंह यादव ने बताया कि उपनिबंधक फर्म सोसाइटी आगरा के आदेश दिनांक 14 अगस्त 2020 के माध्यम से सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया। उसी के क्रम में फिरोजाबाद द्वारा भगवान योगीराज श्री कृष्ण भवन अयोध्या पर सील लगा दी गई, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई, जिसमें नगर फिरोजाबाद आगरा के पत्र को विचार योग्य मानते हुए हटा दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अधिकारियों के आदेशों को नजरअंदाज करना ही उक्त पाया गया। इस वार्ता के दौरान सुरेश चंद यादव, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, अपर सचिव अशोक कुमार यादव, उमेश यादव, प्रदीप मित्तल, सदस्य कमेटी राकेश अग्रवाल, राम महेश यादव, सोनू यादव आदि कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।